बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ, इस जगह के जो ओनर हैं, जो रिहायशी हैं, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी थी और साथ चैलेंज किया था कि आप अकेले आके इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करके दिखाएं। उनने शर्त ये रखी थी कि आपके साथ कोई टीम का मेंबर नहीं होगा, तब जाके मैं आपको यहाँ की चाबी भी दूंगा, फिर आपको इन्वेस्टिगेट भी करने दूंगा। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज मैं उसी जगह पे पहुँचा हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये कोई मवेशियों के रखने की जगह है और यहाँ पर उनके बकौल जो उनका सर्वेंट है वो रात को यहाँ नहीं सोता। पहले जब सोया तो वो काफ़ी डर गया था और उसके बाद से ना वो यहाँ पे रात को नहीं सोता। तब से जो है ना यहाँ मवेशी उनके ऐसे ही खड़े होते हैं, लाग लगा के अल्लाह के आसरे पे वो रखते हैं, रात को यहाँ पे कोई सोता नहीं है। तो आज मैं इसी जगह पे इन्वेस्टिगेट करना है। जो दो चीज़ें जो उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, एक ये जो स्टोरेज हाउस है जहाँ पे भूसा वगैरह स्टोर करते हैं यहाँ पे, और दूसरा वो मशीन है जहाँ पे वो चारा वगैरह काटते हैं मवेशियों के लिए। तीसरा पॉइंट है ये बैरक जिसके अंदर वो मवेशी रखते हैं। यहाँ पे साथ सोने की भी जगह भी थी उनके जो सर्वेंट थे। तो अल्लाह का नाम लेके आज इस जगह का क्या राज है वो हम आपके सामने रखेंगे। आया ये जगह जो है इस पे जिन्नात का कब्ज़ा है या नहीं है, जो भी होगी इस सूरत हाल में आपको क्लियर करूँगा। यहाँ पे शायद बाहर मवेशियों को बांधने की जगह है ये, और राइट नाउ मैं अकेला हूँ। जिन दोस्तों को शक हो, मैं चारों तरफ अपने कैमरा घुमा देता हूँ, वो देख लें कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि ओनर की यही शर्त थी कि आपने अकेले आना है। और EMF मीटर मैं अपने साथ लाया हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत से दोस्तों की ये फरमाइश थी कि आप अपने प्रोग्राम में EMF मीटर साथ नहीं रखते। बाकी जितने भी चैनल्स वाले हैं, लो जी मैंने इसे ऑन कर लिया EMF मीटर को, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इधर ये मवेशियों के बांधने की जगह है और अल्लाह खैर करे, EMF मीटर भी रीटिंग देना शुरू हो गया यहाँ पे। अल्लाह खैर इस जगह पे ये देख सकते हैं आप, EMF मीटर जो है फुल रीडिंग दे रहा है और अल्लाह खैर करें। ख़ास तौर पे जब मैं इस जगह आया हूँ, इस जगह पे ये वो जगह है जो उन्होंने बताई थी कि यहाँ पे मवेशियों का जो है ना चारा वगैरह काटते थे वो, और इस जगह पे देखते हैं क्या राज है। ये देखें लॉक लगा हुआ है और EMF मीटर जो है ना रीडिंग देना शुरू हो गया है। ये देखें फुल रीडिंग आ रही है जब मैं इस दरवाज़े के करीब पहुंचा हूं। अल्लाह खैर करे, यहाँ पे फुल रीडिंग दे रहा है। मैं इसको अभी बंद कर लेता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ मुझे डाउट है कि इस जगह पे है। दुआ करिएगा, आज होम या अकेला और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये हमें फुल टाइम रीडिंग दे रहा है मेरे पास। देखते हैं, ताला लगा हुआ है यहाँ पे।
दवा फिर चेक कर लूँ EMF मीटर को। अल्लाह खैर करे, इस रूम के दरवाज़े पे 100% रीडिंग दे रहा। मुसलसल EMF मीटर रीडिंग दिया जा रहा है। हालांकि मैंने जेब में डाल दिया EMF मीटर को, उसके बावजूद मुसलसल रीडिंग दिया जा रहा है। देखते हैं इस जगह में क्या है। ये कोई टोका मशीन है। अल्लाह अकबर, कोई चीज़ खड़ी है पीछे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यहाँ पे कोई चीज़ है नाज़रीन। कोई इंसानी साया था, ये पता नहीं क्या चीज़ थी। लगता है EMF मीटर मेरा मुसलसल बोले जा रहा है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर, यहाँ पे मुसलसल इस रूम में बोले जा रहा है EMF मीटर। यहाँ पे चारों तरफ मैंने आपको दिखा दिया। जिन दोस्तों को लगे कि यहाँ पे कोई चीज़ है तो उनको मैं दिखा देता हूँ। अभी आपके सामने कुछ ना कुछ था यहाँ पे, और इधर मुझे कोई साया नज़र आया था इस जगह पे। और EMF मीटर वाला कि मैंने जेब में रखा हुआ है, मुसलसल बोले जा रहे हैं मुसलसल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये देखें। हालांकि ये इलेक्ट्रिक मोटर है, और ये देखें इसका, हालांकि बेल्ट भी शायद मालकों ने उतार के रखा हुआ है, और फिर भी ये घूमी है। और EMF मीटर देखें, मैंने जेब में रखा हुआ, मुसलसल बोले जा रहा है, बोले जा रहा है मुसलसल EMF मीटर बोले जा रहा है। जिन दोस्तों को लगता है कि मेरे साथ कोई है, मैं उनको दोबारा सारा कुछ घुमा के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, यहाँ पे मुझे लगता है वो भोसा वगैरह स्टोर करते हैं, उन्होंने बताया था। इसके अंदर आज तो अजीब हालत हो रही है मेरी, जो कैफियत है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया हुआ है, और इस चैलेंज को, अल्लाह अकबर, चैलेंज एक्सेप्ट करना है मैंने। ये गेट अपने आप हिला है। अभी मैं मतलब देख ही रहा था। दुआ करिएगा, इसके अंदर जाके मैं चेक करता हूँ। आज पहली दफ़ा ऐसा रहा EMF मीटर मेरा बोले जा रहा है कंसेक्टिवली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाजरीन ये देखें, अभी मैं एंटर हुआ हूँ, और इसका देखें, ये ऑटोमेटिकली बंद हुआ है। अल्लाह अकबर, ये मेरी लाइफ में जो फर्स्ट सबसे मोस्ट टेरिफाइंग थिंग है कि मैं इस तरह की जगह इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। ये अजीब सी चीज़ है, ब्लैक जो पड़ी हुई है। ये कोई जानवर होता है, पता नहीं कौन सा जानवर है, ये जैसे सोया हुआ हो। नाज़रीन अजीब हालत है, EMF मीटर कंजेक्टिव बोले जा रहा है यहाँ पे। ये कोई जानवर बड़े मज़े से सो रहा है, कोई जिन है, क्या चीज़ है। क्या आप जिन्नात हो?
ये देखें हिलना शुरू हो गया। अल्लाह खैर करे, ये भूसे का स्टोर हाउस है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, मुसलसल दरवाज़ा बजा जा रहा है। यहाँ पे जो मेरी हालत है, जो कि अल्लाह अकबर, जो कैफियत है मैं बता नहीं सकता, जो मेरी हालत है यहाँ पे, यहाँ पे इस कमरे में ठहरना ख़तरे से खाली नहीं है। इसको बंद ही करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो ज़िम्मेदार बिल्कुल सही कह रहा था, वो बंदा ओनर जो है, यहाँ पे वाकई कोई माइक का लाल नहीं रह सकता। उनकी बात सही थी। उनका जो वो है ना वर्कर हैं, जो उनके मवेशियों करते हैं ना काम वगैरह, नौकर जो हैं, वो कोई भी नहीं रहता उनके पास रात को, तो ख़ास तौर पे कोई नहीं रहता। अल्लाह अकबर। ये देखें जैसे कोई झूर। अल्लाह अकबर। कोई झूल रहा हो जैसे चेयर पे, ये चेयर अपने आप झूली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जिन दोस्तों को डाउट हो वो देख सकते हैं। ये देखें ये चेयर अपने आप गिरी है, अभी जैसे कोई झूल रहा हो इसके ऊपर बैठ के, और वो चेयर मेरे सर के ऊपर से गई है। नाज़रीन ये देखें, बाल खड़े हो गए मेरे हाथों के, पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं, जैसे अनबियरेबल सिचुएशन है। और इस जगह पे वहद वो जगह है जिस पे EMF मीटर मुसलसल बोले जा रहा है। हालांकि मैंने इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट किया, जैसे ही मैं उस जगह पे गया हूँ, उस कमरे के करीब गया हूँ, EMF मीटर मुसलसल बोले जा रहा था। अब जाके थोड़ा सा मैं आ गया हूँ तो जाके खामोश हुआ। तो दूसरा जो ये वो रूम है जहाँ पे जो ना उनका सर्वेंट जो है वो रात को सोता था, जिसके साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई थी। तो ये देखें उन्होंने सूरत तक लिख के लगाई हुई है, जैसे जिन्नात वगैरह यहाँ पे एंटर ना हो। लेकिन कोई माइकल आल यहाँ सोता नहीं है, रात को सारे डरते हैं। देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, आया उनके दावे सच्चे हैं या झूठ हैं। बहरहाल टोका मशीन के अंदर की जो सिचुएशन थी वो तो आपने देख ली। इसमें देखता हूँ मैं, मवेशी खड़ा है यहाँ पे, ये देखें सारे मवेशी हैं खड़े, काउज हैं, ये देखें चमगादड़ें भी उड़ रही हैं। हैरत की बात यह है, तेरी खैर चमगादड़ों का क्या काम है इस आबाद जगह पे। ये देखें बैट्स जो हैं वो क्लियरली उड़ रही हैं, और कहते हैं कि जहाँ पे ये जिन्नात का बसेरा हो वहाँ पे बैट्स आम पाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखें, वह आपने भोसे वाले स्टोर हाउस में भी देखा था कि कोई चीज़। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये वो चार पही है शायद, यहाँ पे कोई सोता है, सोता था। मैं आपको दिखा दूँ चारों तरफ, जिन दोस्तों को शक हो कि मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये कर सकूं। और इतनी हैवी किस्म की चार पहिए किसी ने उठा कर फेंका है अभी इसे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। मवेशियों को देखें, वो भी बिल्कुल जैसे सहमे सहमे खड़े हैं, खौफजदा हुए खड़े हैं।
और बैट्स जो चमगादड़ें हैं वो मुसलसल उड़ रही हैं मेरे सर के ऊपर। नाजरीन मैं जितना दिलेर हूँ लेकिन आज जो हाल हुआ है ना मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता। ईएमएफ को मैंने ऑफ कर दिया था, आप देखते हैं और यहाँ पे क्या पोजीशन है ईएमएफ की, और अल्लाह खैर करे। ईएमएफ मुसलसल यहाँ पे भी बोलना शुरू हो गया है, ये देखें 100% रीडिंग दे रहा, अल्लाह खैर करे। ये देखें इस चार पाई के ऊपर, अल्लाह अकबर, ये देखें मुसलसल रीडिंग दे रहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें 100% इसकी रीडिंग हो गई है, यहाँ पे मुझे, अल्लाह अकबर, मुझे भी ख़तरा हो सकता है, बहुत टफ है मेरे लिए यहाँ पे रहना। नाजरीन इससे पहले कि मुझे कोई नुकसान पहुँचे, मैं जो है ना, अल्लाह अकबर, दरवाज़ा, अब ये दरवाज़ा हिलना शुरू हो गया। ईएमएफ मीटर मैंने ऑन किया, मुसलसल बोले जा रहा है और इसकी सुई जो है वो रेड लाइन भी क्रॉस कर चुकी है, अनबिलीवेबल। ये है ऐसे लग रहा है जैसे मेरे साथ ही कोई चीज़ हो। और मवेशियों को देखें बिल्कुल डरे हुए हैं, ये देखें, और इनके सरों के ऊपर देखें बैट्स उड़ रही हैं, ये देखें, ये देखें, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वाकई कोई बंदा यहाँ कैसे सोए, ये पोजीशन है यहाँ पे। रात के 2 बजे हैं और इसको मैं इन्वेस्टिगेट करना है, एक चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन यहाँ पे मेरे लिए मज़ीद रहना जानलेवा हो सकता है। तो नाजरीन मैं किसी सेफ जगह पे पहुँच के फिर आपसे रब्ता करता हूँ। इसको बंद ही कर दूँ, ये मुसलसल बोले जा रहा है। नाजरीन यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा डेंजरस मामला, और ये वाकई वो शख्स जो है, जो ओनर है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे मेरा रहना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि मैंने 17 मिनट की वो किया इन्वेस्टिगेशन किया और मेरी बस हो गई है। इस दोबारा अल्लाह अकबर, दरवाज़ा जैसे कोई खींच रहा हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला यलकै अल्लाह ताखुज़ु हसनतन वगना लहू मा फिस्समावाति मा फिल अर्स मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ौ इन्दहू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम वला युहीतुना बिशय्इन समावाति नाजरीन मैंने जितनी भी वीडियोस आज तक बनाई हैं, हालांकि वो स्कूल वाली वीडियो थी, उसमें भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी, वो भी काफ़ी डेंजरस हो गई थी। मैंने जो भी सोलो बनाई है, मतलब अकेले बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन ये एक चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं आया था। और वाकई वो जो शख्स हैं जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, और ये दूर दूर आबादी है, आप देख सकते हैं, वो दूर दूर से लाइटें नज़र आ रही होंगी। और ये देखें इसके इर्द गिर्द सारा पानी पानी है, ये देखें ये सारा पानी ही है, और मुसलसल बैट्स उड़ रही हैं यहाँ पे, अजीब सी सिचुएशन है। आप देखें कि ये देखें बैट्स उड़ रही हैं, ये जैसे मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे पीछे 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 चल रही हैं, अजीब बात है। ये देखें और जैसे बिल्कुल मेरे ऊपर आ रही हैं उड़ उड़ के, और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं पानी से, पानी के अंदर जो टिड्डियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनकी आवाज़ हैं, मेंढक हैं। दूर दूर आबादी है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे यहाँ से आबादी होगी, अजीब वो जगह है जहाँ पर वो जानवर रखते हैं। नाजरीन मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं ठहर सकता, ये रात काफ़ी हो गई है। अगली किस्त के लिए इंशाल्लाह किसी नई लोकेशन पे मिलेंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है
इतना बड़ा रिस्क लेके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई और मज़ीद अच्छी वीडियोस और रियलिटीज़ आपको दिखा सकूँ मैं। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब की हिफाज़त फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।